द ट्रेंडिंग न्यूज टुडे। वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज मेंट फॉर उन लोगों के लिए समर्पित है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे विश्वास रखते हैं और उसमें वो लाइक करते हैं। कि जो ट्रेंडिंग न्यूज है वो है ITC लिमिटेड। ITC पता है आपको, ये कलकत्ता की कंपनी है और ये मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, अपैरल, होटल्स, सिगरेट और एग्री बिजनेस करती है। तो कहने का मतलब एक डिवर्सिफाइड कंपनी है और ये तरह तरह की जो सेक्टर में काम करती है। तो ITC ने अपना जो है डिमर्जर प्लान को घोषणा कर दिया है, जो कि एक साल पहले से ही वेटिंग था और उसने मंडे को इस प्लान को घोषणा किया। ITC जो एक फ्लेक्सिबल कंपनी है, तो ITC जो होटल है उसमें जो उसने डिमर्ज करने के लिए ऑन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है, फाइनल अप्रूवल अभी आना बाकी है, अगस्त में होगी, शेयर होल्डर्स की मंजूरी ली जाएगी, अभी बहुत सारा काम बाकी है इसमें। तो उसमें होल्डिंग जो है वो 40% के अराउंड में रखेगी अपने ITC होटल में, और उनको एक रेशियो फिक्स होगा कि ITC का एक शेयर के बदले ITC होटल कितने शेयर दिया जाए। उनके जो स्वाप रेशियो है, अगस्त में इनकी मीटिंग होने वाली है, डेट वगैरह का चर्चा हम करेंगे आपसे। हम ITC के थोड़ा परफॉर्मेंस के बारे में देखते हैं। तो FY 2021 में रेवेन्यू जो है 664 करोड़ थी, इसमें इसने घाटा किया था। FY 2022 में इन्होंने 183 करोड़ ही घाटा था, और अगर FY 2023 में देखें तो इसमें उन्होंने प्रॉफिट किया हुआ है। अगर FY 2023 की बात करें तो रेवेन्यू जो है 2585 करोड़ की है और इसमें प्रॉफिट कमाया है ITC होटल ने। उसी तरह ITC का जो अगर हम देख ले रेवेन्यू और प्रॉफिट, तो इसकी जो है प्रॉफिट जो है आपका FY 2021 में है 1339 करोड़, FY 2022 में है 15058 करोड़, और FY 2023 में है आपका 18753 करोड़। तो इस तरह देखें कि लगातार जो है FY 2021 में 2022 में ITC होटल ने घाटा ही किया है। तो ITC ने सोचा होगा कि चलो भाई, इसको जो लॉस मेकिंग हमारा जो है ITC होटल, उसको हम इसको अलग कर देते हैं। और जैसे कि होटल बूम आई हुई है, कोई भी आप स्टॉक देख लीजिए होटल की, चाहे वो ITC इंडियन होटल हो या EIH हो, जो भी होटल्स के जो है काउंटर्स, उस पर काफ़ी मुनाफा हो रहा है उन लोगों को, क्योंकि उनकी होटल बुकिंग बहुत अच्छी हो रही है ड्यू टू ट्रेवल एंड टूरिज़्म में काफ़ी बढ़ावा मिला है आफ्टर द कोरोना काल। तो इसमें जो है कि अब इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है ITC होटल। अब अगर हम मंडे का जो है 24 जुलाई का अगर ट्रेड पर अगर ध्यान दें, हम ये है ऑल टाइम हाई बना करके 489.85 पर क्लोज हुआ, जो कि मंडे को आपका 24 तारीख को जो है ऑल टाइम हाई इसकी बना हुआ है ITC होटल की। इसने जो है आप अगर पूरे साल की करें तो इसने कम से कम 40% रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में, अपने रिकॉर्ड हाई से 499.6 जो मंडे को बनाई थी। तो एक साल अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है, जो कि डिमर्जर की प्लान जो है एक साल पहले घोषणा कर चुकी थी। तो ITC का जो शेयर का जो बढ़ने का जो आपका जो रेशियो है, उसमें आपका एक्सपेक्टेशन था ITC होटल डिमर्ज का, तो उसके एक्सपेक्टेशन में मार्केट बढ़ा है। और जैसे ही ये प्लान की घोषणा की ITC ने कि हम डिमर्ज करने के लिए डेट फिक्स कर रहे हैं, और तो लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा शेयर मार्केट में। अब आप देखिए, आज सुबह 25 जुलाई को 10:55 पर ये 2.87% गिरा हुआ था। अब यदि हम 1:49 जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय इसकी जो है 2.23% गिरा हुआ था, जो कि 460.5 पे है, तो थोड़ी इसकी बढ़ोतरी हुई है अपने लो से। तो आज का दिन का लो है 455.40 और आज का डेज हाई है 460.50।
ऑल टाइम हाई 497 जो बनाया था मंडे को दिन, और ऑल टाइम लो 298 है। तो अपने ऑल टाइम लो से ये लगभग 100% अबव जा रही है। अब हम देखें ITC रिटर्न, अगर हम देखें कई साल का, तो जैसे आज का लॉस तो आपको 3% का अराउंड है, एक हफ्ता का लॉस देखें तो आप -3.10 है। एक रिटर्न आपका देखें तो 2.9%, थ्री मंथ का रिटर्न देखें तो 12% होगा, और सिक्स मंथ का रिटर्न देखें तो अराउंड 35% है, और एक साल का रिटर्न इन्होंने बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है 52.3%। अगर दो साल के अगर जिसने इन्वेस्टर ने कंटिन्यूस अपने शेयर को होल्डिंग बनाए रखे तो उनको लगभग दुगना हो चुका है, 115.5% का रिटर्न दिया है, तीन साल में 129% का रिटर्न दिया है। तो देखा जाए कि इनका वही बेस्ट रिटर्न जो मिला है आपको एक साल से लेकर दो साल के अंदर में, इन्होंने बहुत अच्छा प्रेफरेंस दी है ITC स्टॉक ने। अब आगे देखते हैं द डिमर्जर प्लान फॉर ITC होटल क्या है। आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन द बोर्ड अकॉर्डेड दिस प्रिंसिपल अप्रूवल, अभी प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है ITC होटल बिजनेस के लिए। विद द कंपनी इसमें 40% की स्टेक रहेगी न्यू एंटिटी में, और बैलेंस 60% का जो है टू बी हेल्ड डायरेक्टली बाई द कंपनी शेयर होल्डर, जो कि एक प्रोपोर्शनल रेट से अलॉट किया जाएगा, रेशियो इसकी फिक्स होने वाली है। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड ये चाह रहे हैं कि जैसे आज का होटल बिजनेस में टूरिज्म में जो बूम आया है उसको लाभ उठाने के लिए ये चाह रहे हैं कि बोर्ड का इम्प्रेशन है कि अगर हम ITC होटल को अलग कर दें, और ITC की तो ब्रांड वैल्यू है ही, उनके गुडविल तो बना हुआ है ही मार्केट में, तो ये अच्छा खासा जो है मार्केट को ये ITC होटल का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और जो उनके कई क्वार्टर में जो लॉस हुए हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर FY 23 की जो होटल का जो हम बिजनेस का देख ले रिसेंट क्वार्टर के लिए, तो ये क्या है, इनकी टोटल 4% जो है ITC से आता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, और 2% इनकी EBIT डाटा में इनका कंट्रीब्यूशन है पूरे का ITC में। तो विथ रेवेन्यू 2700 करोड़ है, और जो ITC होटल का जो सेगमेंट है उसमें 120 प्रॉपर्टीज़ है, 11,500 रूम्स है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन ऑफ इंडिया है विच इज़ लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये ITC होटल जो लिस्टिंग हो गए हमारे आफ्टर 3-4 महीना का समय तो ले ही लेगा, तो उसमें जो ITC होटल होगा वो सेकेंड लार्जेस्ट होगा एमंग द ऑल पीयर्स ऑफ स्टॉक लिस्टेड इन द BSE एंड NSE। जो है मीटिंग इनकी जिसमें हर एक चीज़ को डिस्कस होगी, सब डिटेल को उन्होंने हैमर करना है। बोर्ड मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 14 अगस्त 2003 को मीटिंग होगी, जिसमें क्या है डिमर्जर प्लान और किस तरह से फाइनल अप्रूवल लिया जाएगा सारे शेयर होल्डर का, क्या उसकी रेशियो होगी, कब तक लिस्टिंग का डेट होगा, कब तक रिकॉर्ड डेट होंगे, सारे चीज़ इसमें रिकॉर्ड डेट, लिस्टिंग डेट एंड रेशियो सभी चीज़ों का इसमें मूल्यांकन होगा, फिर शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया जाएगा। अपने मार्केट जो एनालिस्ट है, जो दिग्गज बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, मार्केट एनालिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ITC होटल का जो शेयर होगा वो 15-25 के आसपास होना चाहिए। ITC से डिवर्स ग्रुप ऑफ बिजनेस इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग FMCG, होटल्स, एग्रीकल्चर, पेपर, जैसे मैंने कहा है, तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि आगे फ्यूचर में जो कि लोग एक्सपेक्ट करते से कर रहे थे कि ITC जो है अपना FMCG बिजनेस को अलग कर देगा या ITC को बिजनेस को अलग करेगा, बट इन्होंने अभी एट प्रेजेंट ITC होटल को डिमर्जर का प्लान बनाया है एज ए सेपरेट इंडिपेंडेंट यूनिटी। तो भविष्य में जो है कि इनकी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू अनलॉक करने के लिए जो काफ़ी दिनों से एक्सपेक्टेड था, तो भविष्य में ये अपना जो FMCG बिजनेस है या ITC बिजनेस है तो या सिगरेट की जो बिजनेस है वो मे बी ये डिमर्ज कर सकता है टू अनलॉक द वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स से जो भी इसमें इन्वेस्टर है वो वेट एंड वॉच करे, इस पर थोड़ी अपनी और एनालिसिस करे, देन
डिसाइड टू होल्ड और सेल द आईटी स्टॉक। उम्मीद है इसका फ्यूचर तो अच्छा ही है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई और ज़्यादा अगर कोई सिगरेट वाले बिजनेस जो FMCG IT बिजनेस को यदि डिमर्ज करेंगे तो स्टेक होल्डर को फायदा ही होने वाला है, घाटे का तो कोई सवाल है ही नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, वॉच मोर, आई एम इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल।